अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती सेहत दे और आपके रिज़्क में इजाफा फरमाए। और आपसे मैं एक बात करना चाहूँगी कि देखें, अगर मैं इतना कोशिश कर रही हूँ कि मेरे खाने अच्छे बने और आप मेरी फैमिली को पसंद आए, क्या आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए प्लीज़ हेल्प मी, मेरी हेल्प करें और मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर अपने दोस्तों से अपने फ्रेंड से शेयर भी किया करें। अब मैं आपको सिखाऊंगी, आज हमने बनानी है भिंडियाँ और गोश्त। गोश्त मैंने मटन का लिया है क्योंकि चिकन का तो आजकल आपको पता है कि ईद के दिनों में मैंने चिकन ज़रूर लेना है, मैं मटन लेती हूँ। वैसे चिकन में भी बनती हैं, चिकन में भी बहुत टेस्टी बनती है और मटन में बनती हैं, और बीफ में बनानी नहीं चाहिए क्योंकि बीफ वो ना उससे ना हैज़ा होने का ख़तरा होता है। तो ये मैंने मटन ले लिए हैं, छोटी छोटी बोटियाँ ले ली हैं मैंने ये, और ज़्यादा प्याज भी नहीं डालने आप में इसे गालने के लिए। ये मैंने बड़ा प्याज एक ले लिया है और मैंने लहसुन ले लिया है। एक छोटी चम्मच ये देखें चाय वाली भर के मैंने धनिया पाउडर की ले ली है। हल्दी ले लेनी है और ये हमने आधी चम्मच ले ली दड़ा मिर्च की। ये मैंने लौंग और दालचीनी और बादियान के दो फूल के पत्ते ले लिए, ये डाल लेना। और हमें हसबे ज़रूरत हसबे टेस्ट नमक ले लेना कि हमने भिंडियों में भी डालना है ना फ्राई करते वक्त, ये देखें। और अब मैं इसमें पानी डालूंगी और अब हम इसे चढ़ा देंगे चूल्हे के ऊपर। ये मैंने गलने के लिए 2.5 गिलास पानी रख दिया कि इसमें ज़्यादा गली होंगी ना तो फिर वो तोड़ने का भी बड़ा अच्छा, भिंडी के साथ ही टूट जाती है, अगर ना गली हो तो फिर वो जायका नहीं आता। फिर का ढक्कन बंद कर दिया है और हम 25 से 20 मिनट तक हम इसे ना ऊपर रखेंगे क्योंकि ये ज़रा गल जाए। मैंने आपसे कहा था ये गली होंगी तो ज़्यादा अच्छी लगेंगी और इसमें ज़्यादा मटेरियल नहीं डालना। अब हम ये जब 25 मिनट के बाद इसे देखेंगे ना तो फिर आगे से दूसरा प्रोसीजर शुरू करेंगे और भिंडियों को करेंगे हम फ्राई। आपने ना ये मीडियम फ्लेम पर रखना है, ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करनी, मीडियम फ्लेम पर रखना है। ये देखें अभी मेरी फ्लेम आपको नज़र भी आ रही है क्योंकि अभी मैंने ठंडा ही पानी था। अब ये थोड़ी देर के बाद 10 से 15 मिनट के बाद मैं इसे ज़रा हल्की मीडियम करूँगी, लो नहीं करूँगी, मीडियम करूँगी। उसके बाद 10 मिनट रह जाएंगे, 10 मिनट वो लाइट फ्लेम पे पकेगा। मैंने ये थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, ये थोड़ी सी ना इससे ना ये मौसम भी कुछ ऐसा है, हैज़ा वगैरह ना हो जाए, किसी को बाधा दिल ना हो जाए, मौसम ना लग जाए, इसीलिए मैंने ना थोड़ी सी अजवाइन भी डाल दी है। मैंने इसे ना फ्राई कर रही हूँ ना, इसे ज़्यादा अजवाइन भी गर्म होती है, डालेंगे ऑयल और थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि हमने भिंडियाँ जो हैं वो फ्राई करनी है, ज़रा काफ़ी ये गर्म हो जाए। तो लग रहा है ना ये काफ़ी भी गर्म हो गया ऑयल, अब मैं इसमें भिंडियाँ डाल दूँगी। अब मैंने ना इसमें इतना चीनी भी डालनी है, नमक डाल दिया कि इसके अंदर ना मिक्स हो जाए, अंदर तक ये रस जाएगा जब हम फ्राई करेंगे। ये मैंने ना 2 नींबू जरा है मीडियम साइज के हैं, ये मैंने इसमें निचोड़ देने हैं। भिंडियों को हमें ना जरा तेज फ्लेम पे ना रोस्ट करना है, ऐसे फ्राई करना है। मैं इतने दिल से इतनी चाहत से आपके लिए हर चीज़ बनाती हूँ
जैसे अपने घर वालों के लिए बनाती हूँ। पता नहीं क्यों आप देखते भी नहीं हैं पूरी और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। शायद मैं कहती हूँ कि मेरी जो रेसिपी है इस काबिल ही नहीं है कि वो लाइक की जाए, वो सब्सक्राइब की जाए। अगर ऐसा मसला नहीं है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करो। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इंसान की बनाने वाली की हौसला अफजाई हो जाती है कि मेरे व्यूअर्स मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी डिश को पसंद कर रहे हैं, उन्हें अच्छी लग रही है। अच्छा देखना, ये देखें, ये मैंने तेज फ्लेम पे किया है ना, इसकी कोई इसमें लेस नहीं है, कोई तार नहीं बन रही इसकी। अब हम इसे निकाल लेंगे। मैंने ना इसमें प्याज डाल दिया, जो घी था ना भिंडियों का मैंने बचाया। ये देखिए अब इसमें प्याज डाल दिया, प्याज भी तेज फ्लेम पे ही रखनी है। ये देखें, ये सोया सॉस है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें लहसुन का फ्लेवर होता है ना, इसीलिए मैं डाल रही हूँ। ये होर सॉस है, ये मैंने दो बड़े चम्मच डाल दिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें, मैंने काट के डाली हैं। अब मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा, ये मैंने दादर करके रखा है, भुना हुआ है और दादर किया हुआ है। ये मैंने ज़ीरा डाल दिया आधी चम्मच। ये थोड़ा सा ना साबुत सूखा धनिया है, ये मैंने डाल दिया सूखा धनिया और जीरा डाल दिया। अब मैं थोड़ा सा इसे फ्राई कर रही हूँ। अब ना मैंने इसमें, जैसे मैंने ये भिंडियाँ निकाल ली थी, ऐसे मैंने इन्हें भी इसे भी निकाल लेना है। गोश आपको दिखा था ना गालने के लिए रखा था, वो गल गया है। मैंने इसे एक्चुअली ऐसे कर लिया कि इसमें लहसुन है जो है वो प्याज वो ना ऐसे सारे मिक्स हो जाए। ये अब हम दालचीनी निकाल देते हैं बाहर, इसका असर तो निकल गया है। ये सारा कुछ मिक्स हो गया ना, इसका भी ना लहसुन नज़र आ रहा है और ना प्याज नज़र आ रहा है। अब ये जो हमने भिंडियाँ थी और प्याज था, ये अब हमने बीच में डाल दिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने इसमें थोड़ी सी और हल्दी डालेंगे। इसमें डाल दिया टमाटर। ये देखिए जी, अब ये फ्राई हो रही हैं। हम 5-10 मिनट के लिए ना इसे फ्राई होने देंगे, क्योंकि जो मटन का फ्लेवर है वो भी भिंडियों में चला जाए, प्याज में भी चला जाए। और इसमें हड्डी वाली बोटी इसीलिए नहीं डालते, तो वो जो हड्डी है ना वो भिंडियों को तोड़ देगी, गाल देगी और वो बहुत बुरी सी बन जाएगी। इसीलिए इसमें मैं चिकन डालती हूँ। और ये मटन की बोटियाँ भी मैंने देखी आप डाली हैं, तो मैंने छोटी छोटी और फुल गाल के डाली हैं। अभी आपको दिखाती हूँ तो आप देखें कि इतनी ज़्यादा गली होनी चाहिए। पुलाव में भी ये मटन या बीफ डालो, गला होना चाहिए, क्योंकि जब बंदा चावल खाता है ना तो उसके साथ वो तोड़ता है चम्मच के साथ,
तो वो बॉडी का हाथ का टूट जाना, वो कच्ची सख्त वो वाली बिरयानी और पुलाव अच्छे नहीं लगते। अब इसको मैं दम के लिए रखी, 10 मिनट के बाद हम इसे देखते हैं। ये मैंने ना ब्रेक ब्रेक काट के ना अदरक काट दी, फैल दी। अगर किसी का साबुत मिर्चें, ये देखे साबुत मिर्चें भी मैंने डाली हैं, जो खाते हैं जिनके घरों में वो डाल सकते हैं। ये ले जी हमारी हो गई भिंडियां और मटन तैयार। अब मैं करूंगी इसे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रही जी हमारी भिंडियां और मटन। देखें अगर आपको पसंद आती हैं तो ज़रूर बनाएं और खाएं, और मुझे भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।